गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अप्लाइड स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का आलोच्य विषय है कैसे हम लोग PVC वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करेंगे। कोई भी लाइन में कतार में खड़ा नहीं होना होगा, आप लोग खुद घर में बैठे बैठे जो आपका एक्स्ट्रा टाइम है उसी के अंदर आपका मन मर्जी किसी भी टाइम किसी भी जगह से 24/7 आप एकदम एक भी शुल्क नहीं देते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट आप वोटर आईडी PVC वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो आज हम लोग देखेंगे। जैसे बहुत सारे सहायता केंद्र जो होता है, जो तथ्य मित्र केंद्र जो होता है, इन्फॉर्मेटिक सेंटर, वहाँ पे जाते जाने के बाद बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है, बहुत लाइन रहता है काम करने के लिए। तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर, कॉमेंट, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। और कोई दूसरों को हेल्प करना है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे ये चीज़ करना है, कैसे करना है PVC वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कैसे करना है, वो हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे एकदम शुरू से एंड तक। आपका खुद का लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, किसी भी अगर कोई भी संसाधन है आपके पास तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं आप। हम डेस्कटॉप या लैपटॉप पे हम दिखा रहा है कैसे करना है। तो हमारा स्क्रीन है, हम पहले क्या करेंगे, ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का सहारा लेंगे तो आप लोगों को देखने में सुविधा होगा। हम यहाँ पे NVSP पोर्टल ओपन करेंगे, NVSP.in। यहाँ पे जाएंगे, आप लोग देखे थे पिछले वीडियो में कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, वो आप लोग देखे हैं, सीखे भी है। कैसे आधार लिंक करना है वोटर आईडी कार्ड से वो भी देखे हैं। तो ये है उसका एक्सटेंशन पार्ट। कैसे करेक्शन करना है वो भी देख चुके हैं आप, फिर से और एक बार भी हम दिखाएंगे भी है, ठीक है। तो आप ये वाला जो देखना है PVC कार्ड कैसे अप्लाई करना है आपको विदाउट करेक्शन नहीं करने के बाद, ठीक है। तो ये वाला पेज ओपन हो गया। इसके बाद ये जो वोटर पोर्टल है यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे वोटर पोर्टल पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का पेज आ जाता है। तो देखिए क्रिएट अकाउंट बोल के जो पेज चीज़ है हम पहले दिखा दिया, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ये वाला। इसी वोटर कार्ड का जो ये प्लेलिस्ट है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर ही ये अकाउंट ओपनिंग कैसे होता है वो चीज़ हम दिखा दिया, और अकाउंट कैसे रिकवर करना है वो भी दिखा दिया, ठीक है। और आज जो चीज़ हो रहा है हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। तो कैसे लॉगिन करना है देखिए, और कैसे PVC कार्ड को अप्लाई करना है देखिए। तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, हम यहाँ पे हमारा फ़ोन नंबर डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे हम लोग मैथ्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैथ्स सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, और लॉगिन करेंगे। यहाँ पे जैसे लॉगिन हो जाता है तो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये डैशबोर्ड ओपन हो जाने के बाद हमको क्या करना है, करेक्शन इन वोटर आईडी या तो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन। ये न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के अंदर जो अप्लाई फॉर न्यू वोटर आईडी ये वाला जो चीज़ है इसके चलते हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये वाला साइट, ये वाला जो पेज है थोड़ा सा डिले कर रहा है, सर्वर का बहुत प्रॉब्लम है। तो सबसे अच्छा है करेक्शन इन वोटर आईडी, इसमें क्लिक करना, ठीक है। तो हम लोग करेक्शन इन वोटर आईडी को क्लिक कर दिए, पेज ओपन हो गया है। लेट्स स्टार्ट में हम क्लिक कर देते हैं। जैसे लेट्स स्टार्ट में क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, नो आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर, यस आई हैव वोटर आईडी नंबर। तो हम लोग क्या किया, यस आई हैव वोटर आईडी नंबर यहाँ पे क्लिक कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे जिस वोटर आईडी कार्ड को हम PVC करना चाहते हैं उस वोटर आईडी कार्ड को यहाँ पे हमको वो नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे और फेच डिटेल्स में क्लिक कर देंगे। जैसे फेच डिटेल्स में क्लिक करेंगे वो लोग सर्च करेगा, NVSP पोर्टल सर्च करेगा और
वो फाउंड हो जाने के बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड में हम क्लिक करेंगे फॉर्म 8 निकल जाएगा। फॉर्म 8 नहीं निकलेगा, फॉर्म 8 को फिल करने के लिए कुछ चीज़ निकलेगा। जैसे यहाँ पे आ गया है पेज, हम एक बार देखेंगे, हमारा नाम देखेंगे, नेम देख लिए, ठीक है, एंड सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। साइट ओपन हो गया, पेज आ गया है, देखिए यहाँ पे अभी भी लोडिंग चल रहा है, ठीक है, उसको लोड होने दीजिए। रीजन फॉर अप्लाइंग फॉर करेक्शन, हम किस चीज़ का करेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रल रोल, हम लोग ए वाला चीज़ देख लिए है, इसको हम दिखाएंगे। इशू ऑफ रिप्लेसमेंट एपिक विदाउट करेक्शन, हम लोग इस एपिक को इशू करना है, रिप्लेस करना चाहते हैं विदाउट करेक्शन, करेक्शन नहीं करते हुए, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे हम लोग क्लिक कर दिए, ठीक है, सेव कंटिन्यू में जैसे क्लिक कर दिए, देखिए नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वो आप उसके चलते यहाँ पे हमको फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर दे दिए, आप सेंड ओटीपी में क्लिक कर देना है। जैसे सेंड ओटीपी में क्लिक कर दिए, यहाँ पे मेरा मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी आ गया है 939027, बस वेरीफाई कर दिए, मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड हो गया है। अब मजा आएगा, क्या यहाँ पे इज एफ आई आर अवेलेबल, मत जाइए एफ आई आर में, लॉस्ट अगर हो गया तो एफ आई आर में, एफ आई आर दर्ज करने के बाद यहाँ पे उसको एक पिक्चर उठा के यहाँ पे अपलोड करना है। अगर डिस्ट्रॉयड हो जाए तो डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद इस पर क्लिक कीजिएगा, या तो कभी तोड़ फोड़ हो जाए तो इसको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो वोटर आई डी कार्ड है वो एक लैमिनेटेड वोटर आई डी कार्ड है, वो पेपर के ऊपर लैमिनेशन है होता है, तो हम लोग क्या करेंगे डिस्ट्रॉय में क्लिक करेंगे, सीधा बात है। हमारे पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर हम लोग डालेंगे, तो हमारा आधार कार्ड नंबर जो होगा हम यहाँ पे डाल देंगे। आधार नंबर हम डाल दिए, आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमको रीजन ऑफ रिप्लेसमेंट देना है, क्या रीजन देना है, जो हमारा कार्ड डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है, वही दे देंगे, एज मेरा कार्ड डिस्ट्रॉय हो गया है, हैज बीन डिस्ट्रॉयड, बस यही लिख देना है और सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिएगा तो आपका एक रेफरेंस आईडी आ जाएगा, उसके पहले आपको यहाँ पे फॉर्म 8 निकल जाता है, फॉर्म 8 यहाँ पे आपको आधार नंबर भी आ जाता है, एपिक नंबर भी आ जाता है, ठीक है, आपका नाम भी आ जाता है, ओके, चेक कर लीजिएगा एक बार, आपका फ़ोन नंबर भी आ जाता है, ओके, एकदम नीचे यहाँ पे सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट बटन में आप लोग क्लिक करेंगे, अब आ जाएगा रेफरेंस आईडी, इसको संभाल के रख देना है, मोबाइल में भी आ जाता है, जिस मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे भी ये चीज़ आ जाता है, ठीक है, तो आ गया है रेफरेंस आईडी और घर पे पहुंच जाता है पीवीसी वोटर आईडी कार्ड, जो हमारा अभी का जो वोटर आईडी कार्ड है वो सिर्फ पेपर का है, उसके ऊपर लैमिनेटेड होता है और लैमिनेशन भी तोड़फोड़ हो गया है, पेपर भी डिस्ट्रॉय हो गया है, इसके चलते हम यह ऐसे अप्लाई कर दिए। तो आपको ये चीज़ करने के लिए आप तथ्य मित्र केंद्र जो होता है इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर वहाँ पे जाना होता है, या कोई सहायता केंद्र में जाना होता है, वहाँ पे कतार के कतार लोग रहता है, लाइन देखे एकदम पूरा भीड़ रहता है, बहुत सुबह से शाम तक बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लंबा लाइन रहता है, करने में भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वेबसाइट बहुत डिले होता है, स्लो चलता है, तो इसके चलते लेट हो जाता है, तो ये चीज़ नहीं करना है, सीधे खुद के घर पे जो एक्स्ट्रा टाइम है आपका आपके पास उस टाइम के अंदर ये चीज़ करना है, टाइम लॉस नहीं होगा, आप खुद का जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर नहीं जाएगा, पूरा प्राइवेसी मेंटेन होगा, आपके घर पे ये चीज़ खुद ही कर लेना है। तो आज कैसे आपका खुद का पेपर वोटर आईडी से पीवीसी वोटर आईडी कैसे मिलेगा, हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा की है। सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद
ज़रूर आपका जो प्रोफाइल है इससे साइन आउट हो जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और आपका जो पासवर्ड किसी को नहीं देना है, और ये अकाउंट पूरा लाइफ टाइम के लिए है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। और जो रेफरेंस आई डी है वो छोड़िए, वो मोबाइल पे ऐसे रहने दीजिए। अगर आपके पास कोई वोटर आई डी नहीं आता है तो आप उसको इस वेबसाइट में जाके ट्रैक कर सकते हैं। तो आज इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोग हमारा जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास सही से पहुंचेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट तो करना ही है, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि इस तरह बहुत सारे वीडियो अभी भी अपलोड करना है हमको, आप लोगों के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। तो नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा। तो आज इतना ही, आप लोग सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा रहिए। थैंक यू वेरी मच।